हमारे यंग एडवोकेट विवेक जोशी जो हमारे बीच में है। और जोशी जी आइए, कुछ अपनी बातें रखें। मैं आपको टॉपिक देना चाहता हूँ एक बिहेवियर साइंस, बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है वर्तमान परिस्थिति और गीता जी के माध्यम से। विवेक, विवेक अनम्यूट करें। हाँ हेलो, यस विवेक प्लीज। सभी को मेरा प्रणाम। मैं हाँ प्रणाम गीता प्रणाम। जी के माध्यम से मैं युवा वर्ग को जो मोटिवेशन करना चाहता हूँ वो गीता जी के अध्याय 2 में तीसरा एक श्लोक है। इसको आप निकाल के करें तो थोड़ा सा बेटर हो, आवाज नहीं आ रही अच्छे से आपकी। हाँ अब ठीक है। हाँ, विवेक जी बोलिए। हाँ ये जो गीता जी का दूसरे अध्याय में तीसरा श्लोक है, एक उस समय का है जो अर्जुन युद्ध के समय जाता है और वो अपने हथियार डाल देता है, गांडीव को रख देता है कि मैं अपने लोगों के सामने युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद जो कि अर्जुन कहता है कि अगर मैं अपने लोगों के सामने तब भी मैं हारूंगा और अगर युद्ध जीत भी गया तब भी मैं हारा और हार भी गया तब भी मैं हार गया, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? जब मुझे दोनों तरीके से ही हारना है तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो इसमें जैसे कि है कि मैंने अभी उसको गीता को इतना पढ़ा नहीं है, गोस्वामी जी के मार्गदर्शन से ही कुछ पढ़ा था और उसके बाद मैं आपको बता दूं, गोस्वामी जी ने ही मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों से मिलवाया है। और उसमें ये है कि जैसे कि कोई भी जैसे टास्क होता है उसमें सभी का अपना अपना एक युद्ध स्तर होता है। जैसे मैं अध्यापक है, टीचर है, कोई भी है, वकील है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है या स्टूडेंट है, सबका अपना एक टास्क होता है। और अर्जुन का जो युद्ध था वो भी एक अपना खुद का पर्सनल युद्ध था, वो उसका अपना स्वयं का युद्ध था। जब अर्जुन कांप गया था अपने लोगों के सामने अपने अस्त्र उठाने के लिए, उसी तरीके से उसका एक पर्सनल डिसीजन था कि मुझे इन लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से कि जैसे हर व्यक्ति का अपना एक टास्क होता है, उसको पूरा करना चाहता है। उसमें जैसे वो कहता है कि मैं मेरे डिसीजन से मैं इस टास्क को कैसे पूरा करूं, ठीक है, वो उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है। अब मुश्किल उस दौर में कहते हैं कि काम करना एक बात होती है, काम करना जैसे काम करना होता क्या है, जैसे काम की प्लानिंग करना वो भी काम करना नहीं होता, काम के लिए करते रहना वो भी एक काम करना नहीं होता है। आखिर काम करना होता क्या है? मैं मोटिवेट कर रहा हूँ सभी युवा वर्ग को कि आखिर काम करना होता क्या है। तो काम वो होता है जब टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसको काम पूरा जब हो जाता है उसको बोलते हैं काम करना। जब तक नहीं बोल सकते, जब तक उसकी अपन प्लानिंग करते हैं, उसके लिए सोचते हैं, वो काम पूरा करना नहीं होता है, करते रहते हैं, वो भी काम पूरा करना नहीं होता है। और उसी तरीके से जैसे उसका एक मैंने अभी तैयार किया था खुद के अपने वेश से, जब अर्जुन अपने शस्त्र को रख देता है तब भगवान कृष्ण कहते हैं उससे कि हे अर्जुन, तुमको ये नपुंसकता शोभा नहीं देती, अपने हथियार उठाओ और हृदय की ये दुर्बलता है ना तो त्याग कर युद्ध करो, हृदय की जो दुर्बलता है उसको त्याग के युद्ध करो और उठो। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति अपनी किस्मत का ढिंढोरा करता है कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, मेरी किस्मत में ऐसा है, मेरी किस्मत में ऐसा है, कहते हैं कि एक उंगली में अंगूठिया पहन ली, 2 में पहन ली, 3 में पहन ली अपनी किस्मत के लिए, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता। वो आदमी काम करेगा नहीं लेकिन अपनी किस्मत को बैठा बैठा कोसता रहेगा कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है। उसमें जब भगवान कहते हैं कि व्यक्ति की किस्मत है ना जो अपने खुद के कर्मों से बदलती है, जब तक जब बदलेगी, जब आप किसी एक टास्क को निर्धारित करोगे और उसको पूरा करोगे,
आप घर बैठे बैठे आलस्य को अपनाते रहोगे तब तक वो टास्क पूरा नहीं हो सकता। आप आलस्य के लिए आलस्य करो, आलस के लिए आलस्य। मेरा एक मोटिव है इसमें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कैसा भी हो, आलस्य करने के लिए तो आलस्य कर लो, लेकिन आलस्य मत करो। जब तक आप किसी कार्य के लिए आलस्य करोगे तब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। जैसे उसमें श्रीमद् भागवत गीता में एक इसी श्लोक में आगे और बताया गया है कि जैसे ये श्लोक है अध्याय 2 का तीसरा श्लोक है, उसमें जैसे कि व्यक्ति को खुद को करने के लिए होता है, जैसे मैं मेरा काम पूरा करूं। आजकल लोग क्या कहते हैं कि बोला ये हो रहा है वो हो रहा है, ये इतना गिर गया उसके बाद भी ये उठ के सीधा चल रहा है। आज की एक समस्या है, आज भी जमाना इसी बात से कहता है कि ये आदमी इतना ठोकर खाने के बाद भी सीधा कैसे चलता है। तो मैं युवा वर्ग से यही कहूंगा, सभी मतलब जो स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन के हैं जो अपने आप को ये समझते हताश हो जाते हैं, अपनी किस्मत को रोकते हैं, उनको मैं एक ही इस बारे में एक गीता जी के माध्यम से ये जो अध्याय 2 का तीसरा श्लोक है वो एक पढ़ने का आग्रह करूंगा कि वो सब इसको पढ़े और इसका पूरा अर्थ समझे और अपने जीवन में अपने कार्य के प्रति एक निश्चितता लाएं और उस कार्य को पूरा करें। थैंक यू। विवेक, थैंक यू वेरी मच। आप